मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा की तरफ से अंदर खाने में अब कानाफूसी और जुगाड़ का खेल शुरू हो गया है। वजह है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मौजूदा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 31 कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं। संविधान और सदन के कानूनों की गुंजाइश से 2 या 3 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अब सीनियर विधायक पूरी ताकत से अपनी लॉबिंग भोपाल से दिल्ली तक शुरू कर चुके हैं। एमपी के सागर की बात करें तो यहाँ 3 मंत्री पहले से हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत। तीनों कैबिनेट में ताकतवर मंत्री भी हैं। ऐसे में यहाँ 2 सीनियर विधायक प्रदीप लारिया, जो नरयावली से 3 बार विधायक हैं, ऐसे में दलित कार्ड की बदौलत वह अपनी बात अंदर खाने में रख सकते हैं। वहीं जैन वोटर की अगर हम बात करें तो यह वोटर भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रहा है। ऐसे में जैन कोटे की कमी हमेशा जयंत मलैया पूरी करते रहे, लेकिन वो चुनाव हार कर अब बाहर है। पारस जैन भी बाहर है। ऐसे में सागर विधायक शैलन जैन के पास यह बात कहने का अच्छा मौका है कि जैन वोटर की भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन दोनों विधायकों की मंत्री बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि सागर में अकेले ही 3-3 मंत्री हैं। ऐसे में रीवा संभाग का नाम सबसे पहले आता है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में इसी संभाग से प्रचंड जीत मिली थी। शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी राजेंद्र शुक्ल मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पाए, जबकि रीवा से गिरीश गौतम को यहां से मौका मिला है और वो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। इसी मंत्रिमंडल विस्तार में एक नाम राजेंद्र शुक्ल का आता है, वह शायद मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। वहीं सीधी से ताकतवर और नाराज पुराने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता केदारनाथ शुक्ला के नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी अभी सीधी के पत्रकार कांड से उनका नाम थोड़ा विवादों में आने से मंत्री बनने में दुविधा आ सकती है। तब रायसेन जिले के शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी रामपाल सिंह का नाम भी तेजी से आगे बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस सरकार को गिराने में अहम भूमिका अदा करने वाले संजय पाठक का नाम कटनी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच केंद्र में अच्छा दखल रखने वाले पार्टी के बड़े नेता इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से रमेश मेंदोला को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश के कद्दावर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सीनियर भाजपा नेताओं के कद और पद दोनों खट गए। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी रीवा क्षेत्र से 1 नेता को मंत्रिमंडल में ला सकती है। 2 और कौन मंत्री हो सकते हैं तो वक्त की तारीखों में छुपा है, लेकिन भाजपा में 4 ऐसे गुट हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अब गुट गुट में बट चुकी है। मध्य प्रदेश में 4 गुट हैं जो प्रदेश में बेहद ताकतवर हैं। संगठन की तरफ से बीडी शर्मा खुद मुख्यमंत्री का दूसरा गुट, तीसरा नाराज गुट, इसमें कई प्रकार के धुरंधर नेता मान सकते हैं, चौथा गुट कैलाश विजयवर्गीय का गुट, जबकि उमा भारती का गुट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अपना एक गुट भारतीय जनता पार्टी में बन चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जा सकता है, मंत्रिमंडल के विस्तार की सूचना सूत्रों के हवाले से तेजी से मध्य प्रदेश के हर जिले में बिखर रही है। ऐसे में तमाम नेता अपनी जुगाड़ लगाना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब वो चेहरा है जो ऊपर से बेहद शालीन दिखती है, अंदर से लेकिन बगावती तेवरों की राजनीति यह बता रही है कि अंदर खाने में पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।